जैसे आप जानते हैं कि हम हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट के मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और ट्रेडर हैं। पाकिस्तान से बाहर हम हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्षा माइन, हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट की वर्षा माइन के पास, जहाँ से पिंक रॉक सॉल्ट बाहर निकल रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा, ये ट्रॉली जो है पूरी यहाँ से पिंक रॉक सॉल्ट लेकर बाहर जा रही है। ये इसी माइन से नमक निकलता है जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है, और हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राणा जावेद साहब, और ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ट्रॉली आ रही है जो कि हमारी पिंक रॉक सॉल्ट की ट्रॉली है। ट्रॉली दिखाएंगे अब आपको, ये पूरा हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट है जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये पिंक रॉक सॉल्ट के बेहतरीन किस्म के शो पीसीज, लैम्प्स, ब्रेक्स, हिमालयन पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट एडिबल फॉर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एनिमल लिक सॉल्ट्स वगैरह, हीलर, डिटॉक्सर, इनहेलर्स और दीगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब राणा जावेद साहब, मैन्युफैक्चरर भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और हम लोग की जो प्रोसेसिंग हो रही है इस वक्त, हमारी फैक्ट्री है वहाँ पर प्रोसेसिंग इस वक्त जारी है, जो कि हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट की ब्रिक्स बन रही हैं जो कि हम पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्रिक्स सोआना स्पा और मसाज सेंटर, हीलिंग सेंटर, डिटॉक्सिंग सेंटर्स में लगाई जाती हैं। अभी हम बात करते हैं जनाब राणा जावेद साहब से, जो कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। राणा जावेद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? राणा जावेद साहब, इस वक्त हम माइन पर मौजूद हैं। ये जो हमारी माइन है, ये हम तीसरी माइन के ऊपर इस वक्त हम आए हैं जो कि इस वक्त कायदाबाद में मौजूद है। इसके बारे में कुछ बताइए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन है, PMDC वर्षा के नाम से ये मशहूर है। कालाबाग्स के लिहाज से इसमें ये ज़्यादा प्रोडक्शन इस माइन में ज़्यादा होती है। इसमें लगभग 3,000 से 3,500 टन पर डे प्रोडक्शन है इसकी, और सबसे जो नमक ये जो क्वालिटी के लिहाज से इस माइन का पाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि यहाँ से इन माइन से निकलता है। रॉ फॉर्म के अंदर जो डला होता है, सबसे पहले उसका प्रोसेस बताएं वो क्या होता है। एक रॉक फॉर्म होती है, क्या होती है, किस तरीके से फिर उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं? इस माइन के अंदर से पहले निकलता है डला जिसको हम रॉक साल्ट कहते हैं। यहाँ से फिर जाता है फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में यो जो पिंक साल्ट है इसकी एक कैटेगरी बनाई जाती है, अलग अलग इसको छांटी किया जाता है और इससे टाइल बनती है। फैंसी आइटम जितने हैं, फैंसी आइटम बनते हैं, एडिएबल साल्ट इसी में से बनता है, ठीक है, और जितने भी ब्लॉक्स हैं इसी माल में बनते हैं। और सबसे अच्छा नमक ये इस माइन का पाया जाता है। कालाबाग में जो कालाबाग से निकलता है, पहले मैं आपको विलाग में आपको बता चुका हूँ, कालाबाग में ज़्यादा जो डार्क पिंक निकलता है, यहाँ से जो है लाइट पिंक निकलता है। इसमें टाइल्स वगैरह सारे फैंसी आइटम इसी माइन के जो माल निकलता है उसमें से बनता है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी इसी माइन की है। यहाँ पे मौजूद है, यहीं से पिंक रॉक सॉल्ट निकलता है, कायदाबाद से और कालाबाग से, और ये पूरी एक रेंज है, बड़ी लंबी तवील रेंज है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बाहर ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये क्वालिटी का नमक पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता जो पाकिस्तान के अंदर आया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम करने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि आप भी मैन्युफैक्चरर हैं, आपको भी परेशानी होती होगी रोड्स के हवाले से, रास्ते के हवाले से, और दूसरी परेशानियाँ क्या क्या हैं? ये माल जो है ना, जितनी फैक्ट्रियाँ कैदाबाद में लगी हुई हैं, इस माइन का माल टोटल कैदाबाद में जाता है। कम अज़ कम कैदाबाद में जो साल्ट की फैक्ट्री है ना, 200 से 250 लगभग फैक्ट्री है, उसमें कम अज़ कम जो है ना 7,000 से 8,000 जो है मजदूर काम कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि इस पूरी यहाँ से लेके कैदाबाद तक एक तो है कि रोड नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो ट्राली नमक की जहाँ से लोड होके जाती है रास्ते में, उसका कोई ना कोई उसका पार्ट टूट जाता है, एक दिक्कत हमारी ये है। और दूसरा, यहाँ जो लेबर काम कर रही है इनके लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ माइन के अंदर जो काम करने के दौरान जो एक्सीडेंट होता है, तो मरीज जो जख्मी होता है, जो इंसान जख्मी होता है, उसको यहाँ से रेफर किया जाता है जोराबाद, और जोराबाद का जो रोड का जो फासला है वो 45 किलोमीटर है। इसलिए जितने भी यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ हमें जो हुकूमत बाला से अपील है कि यहाँ जो काम कर रहे हैं इनके लिए एक हस्पताल मुहैया किया जाए। दूसरा, यहाँ सेहत का निज़ाम नहीं है, दूसरा तालीम का निज़ाम नहीं है। यहाँ साला साल से ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। ज़बरदस्त, ये तो आपका बेहतरीन एक मैसेज गया है हमारे तमाम व्यूवर्स को और आला हुकाम को कि वो इस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं,
उसके लिए बेहतर काम किया जा सके उनके लिए। क्योंकि देखिए राणा जावेद भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जब पाकिस्तान पिंक रॉक सॉल्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ज़रा मुबादला जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये खुशाइन बात है। मगर मसला ये है कि यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी परेशानियाँ इन लोगों को उठानी पड़ रही हैं, इसका भी तो कोई ना कोई जवाब दे, इसके लिए भी तो कोई अपनी आवाज़ उठाए। बहुत शुक्रिया राणा जावेद साहब, आज से बड़ी बड़ी बेहतरीन मालूमात हासिल करी, और हम उम्मीद करेंगे कि हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी राणा जावेद भाई को भी अपने वीडियोज़ के अंदर इंट्रैक्ट करें। और हमारी आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी भी किस्म की इंपोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.